सोशल मीडिया पर इस वक्त एक बार फिर से गौहर खान ने एक भड़कता बयान दिया है और ये बयान सीधा सीधा दिया गया है इस सीजन की टॉप कंटेस्टेंट, जी हाँ, प्रियंका चहल चौधरी पर। चलिए आपको बताते हैं कैसे। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। हम सभी जानते हैं कि गौहर एक ऐसी कंटेस्टेंट रही है लॉन्ग टर्म में, हमेशा से बिग बॉस की हिस्ट्री की, जिनकी तारीफ हमेशा बिग बॉस करते हैं, और जब जब बिग बॉस के विनर्स का जिक्र निकलता है, गौहर खान का जिक्र निकलता है। मैं आपको यहां पर बताने आ गई हूं कि गौहर खान ने रिसेंटली प्रियंका चहल चौधरी के गेम को देखते हुए काफी कुछ कहा है। कल के पूरे एपिसोड में आपने एक चीज बहुत अच्छे से एविडेंटली गौर की होगी, और वो चीज है कि कैसे प्रियंका फेल इन टू द ट्रैप ऑफ शालीन। अब आप इसे कहिए शी फेल इन टू द ट्रैप ऑफ शालीन भनोट, या फिर आप ये कहिए कि प्रियंका शालीन के ट्रैप में आई भी और खुद को बचाया भी, यानी कि उनका मोटिव था खुद को और अंकित को सेव करना, लेकिन साथ साथ सौंदर्य को भी, वो गौतम को भी वो सेव करना चाहती थी, बट उल्टा हो गया। जी हाँ, हुआ कुछ उल्टा ही। बट ऐसे में मैं आपको बता दूं कि बाहर इस बात के चर्चे शुरू हो गए हैं। हर किसी ने कल के पूरे टास्क का मास्टरमाइंड शालीन भनोट को घोषित कर दिया है। हर किसी ने कहा कि शालीन इज द मास्टरमाइंड, और देखकर तो यही लगा कि शालीन वाकई मास्टरमाइंड है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं, गौहर ने भी इस बात को मान लिया है। जी हाँ, हाल ही में गौहर खान ने ट्वीट किया है, और ट्वीट मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। गौहर लिखती हैं, ओ गॉड, प्रियंका प्लेड सो डम, द गेम वॉज इन देयर हैंड कंप्लीटली, द गेम वॉज इन देयर हैंड, क्लियरली देयर इज ओनली वन मंडली इन एग्जिस्टेंस, दीज गाइज आर जस्ट सिली, यानी कि गैंग तो एक ही है, गैंग तो सिर्फ एक ही है जो उस तरफ नजर आ रही है ना, निमरित, शिव, स्टैन, अब्दुल, साजिद, ये ही एक्चुअली में गैंग है, बाकी इधर वाले जो है वो तो लिटरली दे आर प्लेइंग डम, क्योंकि पूरा का पूरा गेम जो है वो प्रियंका, अंकित, गौतम, सौंदर्य और अर्चना इनके हाथ में था। अब ये चाहते तो क्लियरली नॉमिनेट कर सकते थे इन तीनों को, लेकिन उसके बावजूद देखिए इधर से दो लोग ही बच पाते, बाकी इधर से भी तीन लोग ही बचते, एनी हाउ दो लोग नॉमिनेट होते ही होते। बट अब मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं दिक्कत जो है गेम में वो आ ही चुकी है, दिक्कत क्लियरली दिख रही है गेम के अंदर, और अब बारी आपकी है। आपके हिसाब से आप हमें बताइए कि गौहर की बात पर आप कितना अग्री करते हैं, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देखो इस तरफ से अगर ये लोग पांचों जाते तो चांसेस ये होते कि चांसेस ऐसे होते डेफिनेटली कि अर्चना शायद सेव हो जाती और प्रियंका अंकित में से कोई एक नॉमिनेट हो जाता। यहां पर एटलीस्ट प्रियंका को ये फायदा मिला कि वो खुद भी बच गई और अंकित को भी उन्होंने बचा लिया है। आप क्या कहेंगे इस बात पर? आप गौहर की बात से अग्री करते हैं या नहीं, बताइएगा।